खबर सिवान जिले के महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज नखास चौक पर दुर्गा जी का भव्य पंडाल एवं मूर्ति का निर्माण शुरू हो गया है। कुछ दिन बाद दशहरा पूजा आने वाला है, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसका जायजा लिए हमारे संवाददाता शिवम कुमार की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवन न्यूज, मैं हूं शिवम। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज शहर के नखास चौक में। आपको बता दें कि कुछ दिनों में दशहरा पूजा आने वाला है और उसी को लेकर खबर तरीके से नखास चौक पर अखाड़ा नंबर वन का पंडाल बनने को तैयार हो रहा है। दूर दराज से मिस्त्री आए हुए हैं और मूर्ति का भी निर्माण करना शुरू कर दिया है। यहाँ के स्थानीय जो हैं सचिव हैं यहाँ के, उनसे हम जानकारी लेंगे कैसे बनाया जा रहा है और कहाँ कहाँ से दूर दराज से मिस्त्री आए हुए हैं, कौन से रूप में यहाँ पंडाल कौन से रूप में दिया जा रहा है, इनसे हम जानकारी भी लेंगे। क्योंकि फिलहाल कुछ दिन में ही दशहरा पूजा आने वाला है और उसको लेकर यहाँ का जो पंडाल है उसकी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत भव्य मंदिर पंडाल बनाया जा रहा है और मूर्ति का भी निर्माण कराया जा रहा है, कहाँ से मिस्त्री आए हुए हैं सब करने के लिए? ये बड़ी देवी का स्थान है, महाराजगंज का अखाड़ा नंबर एक जिसे कहा जाता है। मिस्त्री पास के हैं, मूर्ति बनाने वाले दिगवा दिगौली के जितेश हैं, ये शुरू से बनाते आ रहे हैं। वो लगता है हमको कि 10-12 वर्षों से हैं। पंडाल के मिस्त्री दूसरे जगह से आते हैं, वो बंगाल के कुछ हैं और कुछ कटिहार जिले से आए। प्रत्येक साल यहाँ के पंडाल का कुछ ना कुछ रूप दिया जाता है, रूपदराज मंदिर का रूप दिया जाता है। अगली बार कौन सा रूप दिया जा रहा है? इस बार केरल का कार्तिकेय मंदिर है, कयाकुलम में यह मंदिर है, उसी का रूप हम लोग इस बार दे रहे हैं। अगले बार कोरोना को लेकर जो मंदिर भी दिखेगा और दूसरे साइड से चर्च भी दिखेगा। अगले बार कुछ कोरोना को लेकर थोड़ा अलग बनाया गया था, लेकिन अब फिर क्या भव्य तरीके से बन रहा है? कोरोना जो भी पूजा पाठ होंगे सरकार के गाइडलाइन के तहत होंगे, प्रोटोकॉल के तहत होंगे। हाँ, भव्य बनाने की कोशिश हो रही है। आगामी प्रशासन की शांति समिति की बैठक में कैसा दिशा निर्देश मिलता है उस अनुरूप काम किया जाएगा। कितनी लागत से यहाँ पे मतलब खर्चा हो जाता है पूजा पंडाल बनाने में? लगभग 10 लाख की लागत से पूजा होती है। इस बार थोड़ा बजट कम किया जा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उससे कम बजट। आगे कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पे? प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी बात चल रही है, एक जागरण कार्यक्रम कराने का, अभी दूसरा कुछ नहीं है। जैसे कि सरकार का वो दिशा निर्देश मिलेगा जागरण के लिए तब होगा, नहीं तो पूजा पूजन का कार्य। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।